लिख लेते हैं, प्रश्न में तो लिखिएगा, लेट ए बी अ, लेट ए बी अ 3x3 सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है भाई, लेट ए बी अ 3x3 सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सही है। All of whose entries are, all of whose entries are, all of whose entries are either 0 or 1, either 0 or 1, लिख लिया। 5 of these entries are 1, 5 of these entries are 1, 5 of these entries are 1 and 4 of them are zeros, and 4 of them are zeros, ठीक है, 4 of them are zeros, then number of matrices in A is, the number of matrices in A is, ठीक है। हाँ भाई, अब मैं आपको ये बता दूं कि हमारे पास में जो A है ना, वो अपने आप में 3x3 मैट्रिसेस है। अगर ये 3x3 मैट्रिसेस है तो ये मान लेते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये मान लें भाई, ये अपने आप में 3x3 मैट्रिसेस है। अच्छा, दूसरी बात, ये सिमेट्रिक है, क्या कोई हल्का सा आइडिया है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने में क्या खास बात होती है? डायगोनल के इधर और उधर वाले सेम होते हैं, सही है क्या? कल अपन ने 4-2-2-1 करा था, 4-2-2-1 याद है आपको, वो 2x2 था। और अगर अपन 3x3 की बात करें तो कहना मतलब ये, इसको अगर अपन यहां खड़ा कर दें तो सेम आएगा, नहीं है दया, ऐसा कुछ होता होगा नहीं है। एक अपन एक काम करते हैं ना, एक बहुत अच्छी सी सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपके सामने याद दिलाता हूं आपको, ठीक है ना। याद आ गया आपको? नहीं याद आया? ये सिमेट्रिक है, क्योंकि अगर आपने इसका जो कॉलम है इसको अगर ऐसे लगा दिया तो सेम आएगा, गलत तो नहीं है, यहां तक बात तो समझ में आती है ना। इसका मतलब इसका ट्रांसपोज करने पे वापस यही आ जाएगा, आप याद करते चलो। मान लो मैं, आप भूलते जा रहे हो, क्यों? क्योंकि अभी अपना इतना पक्का नहीं है, कच्चा है अभी भी, ठीक है। तो आप मान लेते हैं कि इसको ट्रांसपोज करने पे वापस ही आएगा, आएगा। अच्छा, अब काम की बात क्या है कि ये अगर ए है तो इसमें हमारे पास में ये 9 एंट्रीज हैं, उसमें से 5 एंट्रीज तो मुझे 1 की लेनी है और 4 एंट्रीज मुझे 0 के नाम की लेनी है, और मुझे सिमेट्रिक भी बनाना है। अब सिमेट्रिक बनाने के लिए समझना भाई, सिमेट्रिक बनाने के लिए आप में से कईयों का दिमाग अभी इस तरह खोलो आप, कि देखो ऐसा है कि मेरे पास 4 जीरो है, मैं चारों जीरो यहां नहीं अड़ा सकता, एक जीरो फिर भी रह जाएगा। अगर मैंने 3 लगा दिए ना, जैसे 3 जीरो भर दिए तो एक जीरो रह जाएगा। एक जीरो आपने कहीं भी रख दिया, ऊपर के ट्रायंगल में या नीचे के ट्रायंगल में, अब सिमेट्रिसिटी बर्बाद हो गई। इतना तो समझ में आता है ना? नहीं आया। मैंने, मैं 3 जीरो डायगनली नहीं ले सकता, लेकिन मैं 2 जीरो डायगनली ले सकता हूं। मैंने मान लो कोई भी 2 जीरो ले लिए, यहां पर जैसे 2 जीरो लगा दिए लेट से, तो जो 2 जीरो रह गए वो जहां भी होंगे, जैसे मान लो बके बचे हुए 2 जीरो में एक जीरो मैंने अगर इस जी की जगह रखा तो ऑटोमेटिकली सामने जी आ जाएगा। yes, अभी भी नहीं आया, यहां तक बात समझ में आ रही है ना? इसका मतलब ये कि पहले तो मैं क्या करता हूं, पहले मैं जीरोस पे गेम खेल रहा हूं, कैसे जीरो पे गेम खेल रहा हूं, ठीक है ना, 2 जीरो ठीक है डायगोनल में फिट कर रहा हूं, ऐसे सोच रहा हूं। देखो पहला स्टेप ऐसे सोच रहा हूं, अगर मैंने 2 जीरो डायगोनल में फिट करने हैं तो मेरे पास तो सर 3 जगह है, इनमें से कहां रखोगे 2 जीरो? क्या कहीं भी रख दोगे? मैंने कहा कहीं भी रख दे, बीच से कोई लेना देना नहीं है, डायगोनल से कोई लेना देना नहीं होता सिमेट्रिक का, इसमें कहीं पे कोई भी 2 जीरो रख दे यार, बच्चे 2 जीरोस को फिट करना है, सिमेट्रिक होने का मतलब ये होता है। इसका मतलब ये कि मैं इन तीनों में कहीं पे भी 2 जीरो फिट कर सकता हूं, तो 2 जीरो का अगर मैंने डायगोनल में फिट करा तो उसके नंबर ऑफ बेस हो जाएंगे 3c2, नहीं है 3 में से कोई भी 2 जगह चुन ले, उन 2 जगह 0 0 से भर दे, तो 3c2 तरीके से तू 2 जीरो रख सकता है, रख दिए तेने 2 जीरो। अब 1 पे नजर मत रख, अगर तूने 1 पे नजर रख दी तो मर जाएगा, गेम प्लान एक साइड से खेल, 1 पे नजर नहीं रखना। अब किस पे? 0 पे से खेल रहा, 0 से खेल। अब तेरे पास में 0 बचे 2,
दो जीरो बच गए तो इतना समझ कि दो जीरो तेरे पास में है ना, इन तीन में रखने हैं, तेरे को इस पे नजर मत रख, जो उसमें भरा जाएगा वो ऑटोमेटिकली इसमें आ जाएगा, नहीं है क्योंकि सिमेट्रिक है। तो अपने पास इधर कितने एलिमेंट है, अब बचे हुए दो जीरो में से एक जीरो, ठीक है, जो रेस्ट टू जीरो से, ठीक है ना, उनमें से एक जीरो, ठीक है, मैं कहीं भी ऊपर वाले अपर वाले ये वाला जो अपर है ना, इसके तीन में से किसी भी एक जगह पे भर देता हूं, भर दिया, भरते ही ऑटोमेटिकली जैसे मैंने जहां भी जीरो भरा उसके सामने आकर के जीरो अपने आप बैठ जाएगा, फॉर बीइंग अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब जैसे मान लो मैंने इस जगह जीरो भरा एच की जगह, तो ऑटोमेटिकली इस एच की जगह जीरो आ जाएगा, और वन 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 कहां जाएंगे, वन 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 बची हुई जगहों पर बिखर जाएंगे अपने आप ही, वो जैसे भी घुसेंगे ना इसमें जहां जहां भी जगह मिलेगी अंदर जाएंगी, वो ऑटोमेटिकली सिमेट्रिक बनाएंगे, आप उसकी टेंशन मत लो क्योंकि आपने बाकी सारी चीजें सही फिट करी हैं, ठीक है। तो अब देखा जाए तो एक जीरो को भरने का तरीका ये, तो फाइनली इस तरह की कितनी मैट्रिक्स बन सकती है, इनको देख लेते हैं। पहले दो जीरो को भरने का तरीका थ्री सी टू, फिर का मतलब इनटू, अभी अपन ने प्लान ऐसे करा था ना, षड्यंत्र कैसे रचा अपन ने, पहले दो जीरो अपन बीच में बैठेंगे, फिर एक जीरो ऊपर या नीचे में से किसी एक में बैठेंगे, यही सोचा था ना। तो 3C2 डायगोनल बैठाने का तरीका, फिर 3C1, ठीक है, अपर या लोअर ट्रायंगल में से किसी एक में बैठाने का तरीका, और फिर इनटू वन करते हैं। इनटू वन किसके नाम का, जो जीरो अपन ने जहां बैठाया सामने वाले ने भी वही बैठाना है। तो आपके पास में टोटल हमारा मैट्रिसेस बनेंगे ये थ्री और ये थ्री, थ्री थ्री जा नाइन, तो ऐसे नाइन मैट्रिसेस बन सकते हैं, सही है, नौ तो ऐसे बन गए जब मैंने दो जीरो डायगोनल भरे। अच्छा अब देखो मैं आपको याद दिलाता हूं, मैं तीन जीरो डायगोनली भर सकता हूं, क्यों, क्योंकि जो एक बच गया उसका भाई नहीं है कहीं, तो दो जीरो भर सकता हूं। अच्छा अब मैं आपसे कहता हूं दो तो मैंने दिखाई दिया, क्या मैं एक जीरो भर सकता हूं बीच में कहीं, क्यों, बचे तीन जीरो रह जाएंगे, तीन जीरो का कैसे सिमेट्रिसिटी बैठाओगे, क्योंकि दो या तो इधर बैठेंगे या तीनों इधर बैठेंगे, नहीं है। तो इसका मतलब यह कि अब दो जीरो पे गेम नहीं होता। अब दूसरा सर वन के ऊपर गेम हो सकता है कि नहीं हो सकता, वन पे सोचते हैं, वन कितने हैं, पांच, तो हमारे पास में गेम कैसे होगा, सुनो, अगर रुको रुको मेरे क्वेश्चन तो सुन लो, मेरा क्वेश्चन क्या है, अगर मैं पांच के कैसे कैसे टुकड़े कर सकता हूं, पांच में से एक वन, ठीक एक वन, ठीक एक वन डायगोनल में बैठाता हूं, ठीक है, तो बच्चे ने रोक दिया सर क्यों बैठा रहे हो पोकड़ में, मैंने कहा क्यों क्या हो गया, अगर आपने एक वन सर डायगोनल में बैठा लिया इसका मतलब दो जीरो बैठा रहे हो, क्योंकि डायगोनल में तो तीन जने बैठाने थे ना, एक जीरो बैठाने मतलब बचे हुए दो, दो डायगोनल के तीन एलिमेंट में से एक जगह पे वन बैठाओगे तो दो जीरो बैठाओगे, वो आप बना चुके हो, क्यों मेहनत कर रहे हो, मैंने कहा बात सही कह रहा है, पॉइंट समझ में आया, इसका मतलब एक एक वन वाला खेल हटाओ। अब बात करते हैं दो दो वन वाला, दो वन में क्या लफड़ा होता है, हाँ अब आते हैं अपन अगली तरफ से, तीन तीन वन, क्या तीन वन हो सकता है, अपन बात कर रहे हैं ऑल एलिमेंट्स वन, सही है, इन डायगोनल, सही है, तो डायगोनल में टोटल जगह कितनी थी साहब, तीन, उसकी तीनों की तीनों अपन ने रिजर्व करवा ली, थ्री के तीन, तीनों के तीनों चुन लिए, उस जगह पे अपन ने तीन वन भर दिए, अब बचे हुए वन कितने रह गए, दो, क्योंकि टोटल वन कितने थे, पांच, पांच में से तीन काम में आ गए मेरे, अब बचे हुए रह गए दो वन, अब दो वन में से एक जिधर ऊपर बैठेगा ऑटोमेटिकली दूसरा नीचे आ जाएगा, तो कहने का मतलब ये कि रेस्ट टू में से एक को, ठीक है, ट्रायंगल में बैठा देगी बस, तो बैठाने का तरीका हो जाएगा थ्री सी वन, क्योंकि ट्रायंगल में कितने एलिमेंट होते, तीन, तीन में से किसी को एक को चुन ले, ठीक है, जैसे ही बैठाओगे ऑटोमेटिकली सामने वाले में वो एडजस्ट हो जाएगा, तो नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे थ्री सी थ्री इंटू थ्री सी वन, बोले तो कितना आया, थ्री सी थ्री होता है वन, थ्री सी वन होता है थ्री, तो आंसर हो जाएगा थ्री, तो ऐसे कितने मैट्रिसेस बन सकते हैं, तीन, तो टोटल कितने हो गए, टोटल 12 मैट्रिसेस बन सकते हैं, आई का नहीं पकड़ में आपको, टोटल 12 मैट्रिसेस ऐसे पॉसिबल है, ठीक है, हाँ कैसे पता, अच्छा डायगोनल में नहीं ले अपन जीरो, हाँ तो डायगोनल में जीरो ले नहीं लेना अपन अगले केस में, कहां पे, हाँ दो जीरो से नाइन मैट्रिसेस बन गए थे अपने, हाँ
हाँ वो जो चारों जीरो अपन डायगनल को छोड़ के बना रहे ना वो नीचे वाले केस है, क्योंकि जब अपन ने 3-1 जब डायगनल बैठे ना तो इसका मतलब चारों जीरो नॉन डायगनल में बैठे, वो वही है, सेम टू सेम खेल है। ठीक है, हाँ अच्छा, तो ये अच्छा है, चलो सोच तो रहे हैं कि ऐसे नहीं, अपन तो सारा गेम ही जीरो पे खेलेंगे हम। ठीक है, इसने सारा गेम ही जीरो पे खेला है। एनीवे आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, हाँ सर, उम्मीद है ये वाली बात आपके पकड़ में आ गई होगी कि हम लोग किस बात पे बात कर रहे थे। नहीं, अच्छा कल की एक मैं शायद मेरे को जहाँ तक याद है, ठीक है, कि हमारी चर्चा इस बात पे चल रही थी कि प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक या सिमेट्रिक ऐसा कुछ करवा रहे थे ना, कर ली थी क्या अपने? कितनी लिखी थी प्रॉपर्टीज? चार। ठीक है, एक मिनट, पांचवी प्रॉपर्टी पे आ जाएगा, और ये बहुत काम की प्रॉपर्टी है, आपकी शीट में कम से कम 2 क्वेश्चन एक्सरसाइज 1 में, एक अपनी एक्सरसाइज 2 में, और कभी भी कहीं पे भी आता रहता है, कभी भी उछाल लेते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5 में लिखेगा। ठीक है, लिखेगा प्रॉपर्टी नंबर 5, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑल ऑड ऑर्डर। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑल ऑड ऑर्डर, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑल ऑड ऑर्डर इक्वल टू 0 ऑलवेज। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जगह डिटरमिनेंट कर देना, गलती हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट ऑफ ऑल ऑड ऑर्डर इक्वल टू 0, मैट्रिक्स की जगह 0 है ना, वो डिटरमिनेंट कर देना। याद होगा आपको, हमारी शायद इससे पहले भी कभी बात हुई है, ऑड ऑर्डर वाली जितनी भी होती है उनका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 होता है, स्क्यू वाली, याद है? और अगर बाय द वे स्क्यू में इवन ऑर्डर हो जाए तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर बनता है, याद आ गया आपको? हाँ, ये बात हमारी पहले भी हो चुकी है। अब इस पर वैसे तो मैं आपको क्वेश्चन क्या बताऊँ, ठीक है, लेकिन फिर भी जो एक सिंपल क्वेश्चन है जो पॉपुलर है काफी मार्केट के अंदर, वो ये कि इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, देन क्वेश्चन में दिया जा रहा है साइन ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, साइन बी साइन सी, और यहां दे रखा है माइनस साइन बी, इट इज 0, इट इज 10a, ठीक है 10a, और ये दे रखा है कॉट ए प्लस बी, ठीक है, कॉट ए प्लस बी नहीं होगा, ये कॉट ए प्लस बी, ये कॉस सी है, एक गलती है, कॉस सी, इसको कॉस सी कर लेना, ठीक है, कॉट ए प्लस बी भी नहीं है, ये कॉस ए प्लस बी है, फिर अब सही हो गया ना। हाँ भाई, और ये दे रखा माइनस में 10a एंड 0 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब देखिए क्या बकवास और क्या बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, अगर बाय द वे इसको नॉर्मल नजरों से देखा जाए तो शायद थोड़ा बच्चा हैरान हो सकता है, लेकिन जिसे पता है ए प्लस बी प्लस सी पाई है वो जानता है 0 है, तो सबसे पहले तो उसने 0 भरा, साइन बी की जगह साइन बी ही लिखा, कॉस सी को भी हैरान नहीं किया, नीचे माइनस साइन बी को भी नहीं परेशान किया, 0 तक मस्त है, 10 पे भी आराम से, लेकिन उसे अच्छे से पता है ए प्लस बी इज इक्वल टू पाई माइनस सी, याद आ गया आपको, ए प्लस बी की जगह कितना सोच रहा है पाई माइनस सी, अगर आपको पता है कॉस पाई माइनस सी तो ये बन जाएगा माइनस कॉस सी, बराबर है भाई? अच्छा, और नीचे कितना माइनस का 10a, और यहाँ कितना, तो आपको पता है ये डायगनल एलिमेंट 0 होना और इधर उधर के एलिमेंट का एक दूसरे का माइनस होना स्क्यू सिमेट्रिक होने की निशानी है, और ये मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट है, स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट है, और स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 है, सही है ना भाई, और ऑड ऑर्डर होते ही इसका आंसर विल बी 0, तो अपन लिख लेते हैं इट इज स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट ऑफ ऑड ऑर्डर, ठीक है 3 इंप्लाइज दैट इज 0 है ना, बात कदम आगे पे बढ़ी है, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। हाँ भाई, अगला पॉइंट भाई, क्वेश्चन है इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक
ठीक है, मैट्रिक्स, देन प्रूव दैट बी टी ए बी इज ऑल्सो स्क्यू सिमेट्रिक, बी टी ए बी इज ऑल्सो स्क्यू सिमेट्रिक, राइट है। बी के बारे में कोई कमेंट नहीं दिया अगले ने, बी टी ए बी इज ऑल्सो स्क्यू सिमेट्रिक। अच्छा, अब यहां पे आती बात कि कल की बात जो हमने बोली थी वो आपको याद है अभी भी? Yes, कल मैंने आपको बताया था किसी का भी सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक का कभी भी पक्का करना हो तो टेक इट x, याद है इसको कोई नाम दे दो। तो मैंने अपनी तरह से ले लिया, लेट x इज इक्वल टू बी टी ए बी लिख लो भाई, और फिर मेरे को एक्स टी करना चाहिए। अगर मैंने एक्स टी कर दिया तो इसका मतलब ये कि बी टी ए बी का फिर से ट्रांसपोज करूंगा, और ट्रांसपोज कैसे बटेगा, उल्टा। तो पहले बी पे आएगा बी टी, फिर ए टी, फिर बी टी टी, याद आ गया, ऐसे बटेगा। बी टी का तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन ए टी, हाँ, क्योंकि ए अपने आप में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसलिए ए का ट्रांसपोज माइनस ए होगा, तो यहां पे मेरे को माइनस ए फिट करना चाहिए, और बी टी टी बी बन जाएगा। और अगर ये बी बन गया तो होता है माइनस आगे पीछे बाहर ही आएगा, तो माइनस अगर बाहर गया तो माइनस का बी टी ए बी यही बना, और माइनस का बी टी ए बी होते ही दुनिया ने गिन दिया माइनस एक्स, और क्योंकि एक्स टी इज इक्वल टू माइनस एक्स, इट मींस एक्स इज, इट इज स्क्यू सिमेट्रिक। इस बहाने से दोबारा बात ठहरी आपकी, ठीक है, कि हमको ये भी समझ में आना चाहिए, ठीक है। तब तक मैं आपको बता देता हूं, दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, ये अगर मैंने नहीं लिखाया तो लिख लेना आप, लिखवा दिया, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देख लेना आपकी प्रॉपर्टीज आपकी आंखों के सामने है, दूसरे पे क्यों यकीन करते हो, नहीं लिखा हो कल को आपके रह जाए एक क्वेश्चन और बनते बनते, छोटा सा क्वेश्चन होता है थियोरेटिकल वही रह जाएगा, ठीक है। हाँ भाई, अगले पॉइंट पाता हूँ, ठीक है, अगला टाइटल डालिएगा, हालांकि चैप्टर यही है, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, लिखिएगा डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। It is possible for square matrix only. It is possible for square matrix only. ध्यान रखना भाई, ये हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है कि आपने हर किसी का डिटरमिनेंट बोलना चालू कर दिया, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट होता है। इट इज पॉसिबल फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ओनली, फर्स्ट थिंग। सेकेंड पॉइंट पे डालिएगा, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय DETA, डेट ए, और ऐसे मॉड ए, याद है इसको अपन पढ़ते हैं, डिटरमिनेंट ए, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेट ए और डिटरमिनेंट ऑफ ए, राइट है। अच्छा, जैसे आपने से कई लोग जानते हैं कि अगर मैंने बोला ए इज इक्वल टू में, ठीक है, 1 2 3 3 2 1 और 2 3 1, सही है, तो आप मेरे को बता सकते हैं, देन डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल सकते हैं, सोच लें। अरे इसका डिटरमिनेंट बताना देंगे क्या? हाँ, डिटरमिनेंट बताना का मतलब क्या हुआ, इसकी वैल्यू बनाना, बड़ा लिखूं, पढ़ा दिया मैं, नहीं डिटरमिनेंट ऑफ ए प्रॉपर्टीज के साथ कब बताया, आप लिखो 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 लिखो, नहीं बताया मैंने, मेरे को ध्यान है, मैं अच्छे से जानता हूँ मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, आप चिंता मत करो, वो मेरे को आगे जस्ट अगले कदम पे ही कहीं मात ना हो जाए, इसलिए मैंने छोटा टाइटल जानबूझ के डाला हुआ है, ज्यादा लंबा नहीं, छोटा सा लेकिन मेरे काम का है, मेरे को पता है। आप इसका डिटरमिनेंट बता पाएंगे, फटाफट बना लो, आपको हाँ भाई किसी को बना कि आप ये जानते हैं कि इसका डिटरमिनेंट बनता कैसे? डिटरमिनेंट ए बनाने का मतलब हो गया आपको बस ये 1 2 3 3 2 1 और 2 3 1 ऐसे ही होगा, 1 into -1, सही है भाई, -2 into 1 प्लस में 3 into 5, सही है भाई, 15 - 3 बोले तो 12, क्या ये बात सही है, तो डिटरमिनेंट ए निकल गया। नहीं, आगे बढ़ने लिखिएगा फटाफट से प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी आपकी देखी हुई है 100%, किसी के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकालना और उसका खुद का डिटरमिनेंट निकालना है, इक्वल है, सही है ना भाई। हाँ भाई, सेकंड प्रॉपर्टी, बस मेरे को एक बात लिखवाते जाना है, कोई कांस्टेंट अगर
ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो ये बार आएगा और के की पावर एन बनाएगा। हाँ, ये हमने अलग अलग जगहों पे लिखवाया है। आओ वन के एक साथ लिखवा रहा हूं, मैं बहुत सारी जगह पे बिखेर गए, जैसे ट्रांसपोज के टाइम पे ट्रांसपोज के लिए गा दिया मैंने, हमें क्या सबको इकट्ठा कर रहा हूं ताकि क्या है कहीं डिटरमेंट के नाम पे भी रह जाए। ठीक है, अगला हो जाएगा, ये बात देखो मैंने बताई है लेकिन कहीं पे लिखवाई नहीं है, डिटरमेंट ए बी, ऐसे कर दो डिटरमेंट ए डिटरमेंट बी, सही है भाई। अच्छा, फोर्थ नंबर पे एक और इंटरेस्टिंग बात, डिटरमेंट ए बी बोलो या डिटरमेंट बी ए निकालो, एक ही बात है, सही है, डिटरमेंट ए डिटरमेंट बी करें आगे, अगले पास जाइए नेक्स्ट। ठीक है, पांचवें नंबर पे डिटरमिनेंट ऑफ डायगनल डी वन डी टू डी थ्री, अगर कभी भी डायगनल डी वन डी टू डी थ्री का डिटरमिनेंट निकाला जाए तो आंसर विल बी डी वन इंटू डी टू इंटू डी थ्री, सही है, हो गया। हाँ भाई, अब अगले टाइटल पर जाओ, अगला टाइटल इज एडजॉइंट ऑफ डिटरमिनेंट, एडजॉइंट ऑफ डिटरमिनेंट, बेवकूफ है। हाँ गधा, क्या लिखा था तुमने, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, नहीं वही सोचो मैं बोलने के बाद, मैंने कहा क्या हो क्या लिख रहा हूं मैं, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, हाँ क्योंकि डिटरमिनेंट को कोई एडजॉइंट वेडजॉइंट नहीं होता, कुछ भी लिख रहा था, ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स पता चल गया, इस बहाने से आपको भी पता चल गया, अच्छा डिटरमिनेंट का एडजॉइंट नहीं होता क्या, आप सोच रहे हैं जिसका मर्जी एडजॉइंट लेवल वाला क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, अपने को कौन सा पता है, ठीक है। हाँ, तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, सबसे पहली चीज समझना भाई, हर किसी का एक नाम होता है ना, इसका भी नाम है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एडजॉइंट ऑफ ए, ऐसे लिखते हैं भाई, है ना, एडजॉइंट ऑफ ए, आ जाइए बात, है ना। अब ये एडजॉइंट ऑफ ए होता क्या है सर, ठीक है, देखिए सब ऐसा है कि अगर ए जो है, ऐसे समझिएगा, अगर ए जो है वो अपने आप में, नॉर्मली अपन ये कहते हैं ना ए आई जे एम क्रॉस एन, ए को ऐसे बुक कर देना ए आई जे, तो जिस दिन हम लोग इसका को फैक्टर बना लेते हैं तो को फैक्टर से जो मैट्रिसेस बनती है वो सी आई जे बनती है, और सी आई जे से जो मैट्रिसेस बनेंगे उसको सी बोलते हैं। अगर मैं इसको बात को लिख देता हूं ना, सी आई जे इज इक्वल टू मैं मैट्रिक्स मेड बाय कोफैक्टर्स, कोफैक्टर्स ऑफ ए आई जे, ए आई जे के कोफैक्टर से हमने क्या किया, डिटरमिनेंट एक मैट्रिक्स बनाई और जो मैट्रिक्स बनी उसका नाम सी रख दिया, ठीक है। अच्छा, जब जिस दिन भी हम लोग सी का ट्रांसपोज करेंगे, माने कोफैक्टर से बनी हुई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे, तो जो आएगा वो एडजॉइंट ऑफ ए आएगा, तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू में कोफैक्टर से बनी हुई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है, ठीक है ना, कोफैक्टर से बनी हुई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। अब बड़े ध्यान से समझना है, बड़े धीरे 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 धीरे, जैसे मैं उसको समझा देता हूं, ठीक है, इसको पहले एक बार जब तक से पहले समझ लो कि कहानी क्या है, ये क्या है, ये एडजॉइंट, ठीक है। देख भाई, एडजॉइंट निकालना का मतलब होता है कोफैक्टर बना करके उसका ट्रांसपोज करना, तो सबसे पहले क्या करा करा, ऐसे पहले से ही है ना, ऐसा डब्बा बना करके ट्रांसपोज लगा दिया करा, ठीक है। अब मैं तेरे को एक एक का ट्रांसपोज, एक एक का कोफैक्टर बाहर दिखाता हूं, ठीक है। सबसे पहले ए वन वन, ए वन वन बोले तो वन, ठीक है, तो वन का कोफैक्टर, वन का कोफैक्टर बना के दिखा रहा हूं, तो वन का कोफैक्टर हो गया दो माइनस तीन, सोच लिया आपने, बोले तो माइनस वन, तो मैं यहां पे माइनस वन लिख रहा हूं। अब मैं दो पे आता हूं, अब मैं दो का कोफैक्टर बनाता हूं, इस दो का, तो दो का कोफैक्टर बनाऊंगा तो दो की रो और कॉलम डिलीट, थ्री माइनस टू, तो मैं लिख रहा हूं थ्री माइनस टू, तो क्योंकि ये वन आया, याद है ना, क्योंकि ये वन आया तो सेकंड नंबर पे माइनस लगता है, प्लस माइनस, इसलिए इसका कोफैक्टर माइनस वन होगा, नहीं आया, याद आया आपको, याद है ना, प्लस माइनस प्लस ऐसे करते थे, तो कोफैक्टर के टाइम पे साइन भी लगाते हैं, तो वो भी लगाएंगे। अब आते हो तो थ्री पे, अगर मैं थ्री की बात करता हूं तो थ्री के टाइम पे नाइन माइनस फोर, बोले तो फाइव, अब आया आपको, तो मैं यहां पे लिख देता हूं नाइन माइनस फोर, ठीक है, बोले तो फाइव, ये तो हुआ फर्स्ट रो का, फर्स्ट रो का। अब आता हूं सेकंड रो पे, थ्री टू वन कर रहा हूं, ठीक है भाई, थ्री टू और वन, हर किसी का कोफैक्टर उसके सामने लिखता जाऊंगा, आप भी सोचते जाना, तीन के नाम पे कोफैक्टर हुआ टू माइनस नाइन, लिख रहा हूं भाई,
2 माइनस 9 बोले तो माइनस 7, लेकिन ये प्लस और माइनस की वजह से माइनस और माइनस 7 अभी भी नहीं आया। अच्छा अब इधर आ जाता हूं 2 पे, ठीक है भाई, 2 के नाम पे इसकी रो और कॉलम डिलीट करते हैं, 1 माइनस 6 लिख दो भाई, 1 माइनस 6 एंड दैट इज -5। दोबारा सोच लेते हैं, प्लस माइनस प्लस, तो एज इट इज आएगा जो आएगा, अभी भी नहीं आ रहा। अच्छा अब जाते हैं 1 पे, ठीक है, 1 के लिए देखा था तो 1 के नाम पे इसका ये रो और ये कॉलम, सॉरी कॉलम और रो डिलीट करने पे 3 माइनस 4 लिख दो भाई, 3 माइनस 4, ठीक है भाई, 3 माइनस 4 -1 आता, लेकिन प्लस माइनस प्लस, सॉरी प्लस माइनस प्लस और फिर माइनस, तो माइनस ऑफ -1। अब यही कहानी, अब आता हूं मैं, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ठीक है। अच्छा 2 के नाम का हो जाएगा 2 माइनस 6 बोले तो -4, श्योर है, प्लस माइनस प्लस एज इट इज आएगा, अभी भी नहीं आया। अच्छा 3 पे आता हूं, 3 पे आते ही 1 माइनस 9 बोले तो -8, लेकिन बाहर -1 और आएगा, सही है। अच्छा अगले नंबर पे आता हूं, 2 माइनस 6 -4 बराबर है ना भाई। अब जो भी आया ये को फैक्टर आ गए, ये मैंने हर किसी का को फैक्टर निकाला और भरता चला गया, तो ये अपने आप में बना सी, ये ए था, मैंने को फैक्टर से जिस दिन मैट्रिसेस बनाई उस दिन बना सी, अब जिस दिन इसको टर्न करा दूंगा उस दिन एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा, इसका ट्रांसपोज कराते ही एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। अब इसका ट्रांसपोज कराते ही जो एडजॉइंट ऑफ ए आएगा वो कितना बनेगा, वो बनेगा एडजॉइंट ऑफ ए लिख करके मैं इसके अंदर जो रोज हैं उनको कॉलम में बदल रहा हूं, -1 7 एंड -4 -1 7 एंड -4 बराबर है भाई। अच्छा अगले नंबर पे -1 -1 -5 एंड 8 बराबर। अच्छा अगले नंबर पे आ जाएगा कितना, कितना लिख रहे हैं, 5 1 एंड 4 5 1 एंड -4 बराबर है। हाँ साहब ये जैसे अपने इसका ट्रांसपोज कराया अब ये एडजॉइंट आया, एक बार दोबारा मुझे बता दो पहले क्या करते हैं, सबके को फैक्टर निकाल लो, को फैक्टर निकाल के लास्ट में उसे ट्रांसपोज, ट्रांसपोज में क्या करते हैं, जो रोज है उन्हें कॉलम है, रोज को कॉलम है, रोज को कॉलम में बदल देता हूं, आगे का नहीं पकड़ में, ये एडजॉइंट है। और जिस दिन आपने इसमें इसका अभी अपने याद होगा आपको ये निकाला था -12 या 12 कुछ निकला था, 12 निकला था। अच्छा अब अगर मान लो किसी ने मेरे से पूछा था ए इनवर्स बताओ जरा इसका, तो मैं ए इनवर्स कैसे लिखता, ए इनवर्स का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था 1 अपॉन ये इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए, एक बार लिख लूं याद आया ना आपको, एडजॉइंट ऑफ ए, तो मेरी तरह से आंसर कितना होता, 1/12 और फिर ये वाली जो मैट्रिसेस इसको नीचे कॉपी कर देता और फिर 12 का हर किसी में डिवाइड करता जाता तो उसका इनवर्स दे जाता। नहीं आया समझ में, इसके 6 नंबर है, एनसीईआरटी 6 नंबर का क्वेश्चन आता है कि फाइंड ए इनवर्स, ठीक है। अच्छा ये जो है ये बाई फार्मूला है, इसके सिवा एक और तरीका होता है, वो होता है क्या कहते हैं एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, अपन उसमें बाद में बात करेंगे, पहले आप यहां तक एडजॉइंट ऑफ ए तक लिख लो, ठीक है, माने आप एक कदम दूर हो बस आप ए इनवर्स निकालने से ओरिजिनल तरीके के। अच्छा ये फटाफट से आपको पता है ये जो निकाले हैं मैंने ये बिना साइन के निकाला है, जब बिना साइन के निकलता है तो को फैक्टर नहीं होते, माइनर कहलाते हैं, अभी ये माइनर निकाला है, जब आप अंदर भरोगे तो विद साइन भरोगे तो को फैक्टर बनेगा, अभी भी नहीं आया, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं ये माइनर है ना, माइनर्स ऑफ है ना row 1 and row 2 बगी मैंने डायरेक्ट भर दिया था, और माइनर्स को अंदर भरते टाइम पे माइनस को प्लस, प्लस माइनस का ध्यान रखा है, बहुत ही बढ़िया काम है क्योंकि फ्री का नंबर देता है, थोड़ा पेशेंस से खेलना है। अब मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, एक आप एडजॉइंट मेरे को निकाल के बताइएगा, हाँ भाई क्वेश्चन है फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए इफ ए इज इक्वल टू पी क्यू आर एस, हाँ भाई ये तो बना ही लिया होगा ना अब तक, या अभी भी नहीं बना पाए,
हाँ भाई कितने लोगों ने बनाया? इतना छोटे का तो बनाओ यार, इसका तो कम से कम पहला आपका एडजॉइंट है, पहला और शायद कईयों का आखिरी होगा, ठीक है, बाकी तो सीधा पेपर में बनाएंगे वो, ठीक है। अब जरा इस पर भी दिमाग लगा लो, एडजॉइंट निकालने के लिए पहले क्या निकालना पड़ता है? तो पहले को फैक्टर डिटरमेंट मैट्रिसेस बना लें। अच्छा, को फैक्टर के टाइम पे पी का एस, श्योर है? अब आ जाते हैं क्यू का आर, लेकिन आर का जगह माइनस आर। अच्छा, आर का R का को फैक्टर Q, लेकिन लिखेंगे क्या? माइनस क्यू। और S का T, ये बात पकड़ में आई आपको? अब जैसे ही ये लिखा, अब आप इसके बाद में एडजॉइंट के लिए क्या करोगे? एडजॉइंट के लिए आप इसका ट्रांसपोज करेंगे, तो ट्रांसपोज करने का मतलब क्या? S माइनस R माइनस Q और P का ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज का मतलब हो गया है ना, ये S और माइनस R तो इधर आ गए, और माइनस Q और P सही है इधर पहुंच गए, सही है। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखिएगा, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि आपके ये दो एलिमेंट तो यहां से यहां तक आते समय इंटरचेंज हुए हैं, बस दिख रहा है आपको, ये दो एलिमेंट तो सिर्फ इंटरचेंज हुए हैं, और जो बात की दो एलिमेंट है वो वही है, क्यू और आर तो वही होंगे, बस साइन चेंज हो गया है, सही है ना। एंड क्यू एंड आर चेंजेस देयर साइन, चेंजेस देयर साइन। अब आप में से जिसको ये बात समझ में आ गई, वो आप सोचना चालू करो कि अगर कल को 1579 होता, देन एडजॉइंट ऑफ ए, कई जने खटाखट सोच सकते हैं, हाँ भाई 1 और 9 वहीं रहेंगे, चेंज चेंज, 9 और 1 कर दूं और 7 और 5 क्या आगे माइनस लगा देता हूँ, सही है। तो अपने आप में टू ऑर्डर की डिटरमिनेंट मैट्रिसेस देना तो एक तरह से फ्री गिफ्ट देना है कि भाई आप बच्चा अपना समय बचा ले अपना, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जिनका ये बन गया, ठीक है, उनके लिए अगले पे आते हैं। हाँ जी सर, हालांकि मेरे को आपको इस एक दो क्वेश्चन करवाने चाहिए थे कम से कम थर्ड ऑर्डर की उसके लिए, लेकिन अपन ये सारी मेहनत ए इनवर्स के लिए रख लेते हैं, ए इनवर्स के टाइम पे आप ही एडजॉइंट बना के देना मेरे को, ठीक है। तब तक आते हैं इसकी सबसे जबरदस्त जगह, ठीक है, पूरी मैट्रिसेस इसी के कारण डराई जाती है, क्या आपको याद है कि वो मैट्रिसेस में प्रॉपर्टीज आती हैं, और वो प्रॉपर्टीज एक एक प्रॉपर्टी अपने आप में एक एक क्वेश्चन है, ठीक है, प्रॉपर्टीज एंड देयर प्रूफ। आगे बढ़िए, ठीक है, प्रॉपर्टीज एंड देयर प्रूफ, उसमें पहले नंबर की प्रॉपर्टी है A into adjoint of A is equal to AI, इसका उल्टा भी सही है, adjoint of A into A, पहली प्रॉपर्टी, ठीक है, याद दिलाता चलता हूं, धीरे धीरे सोचिएगा। A A, ठीक है, A 11, A 12, A13, सोच लिया, डैश 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 डैश, यहाँ तक बराबर है? नहीं आया आपको ये बात समझ में आई? मैं A के नाम पे A पूरा लिखता, इससे बढ़िया बाकी मैंने एक रो के लिखे और छोड़ दिए, यहाँ तक समझ में आया? अच्छा, एडजॉइंट ऑफ A के नाम पे मुझे क्या करना था, इनके कोफैक्टर लिख करके ट्रांसपोज करने थे, तो जब मैं इनके कोफैक्टर लिखता तो A11 का कोफैक्टर होता C11, C12, C13 बनता, लेकिन ट्रांसपोज करते ही रो किसमें बदल जाती? कॉलम। तो यहां लिखना चाहिए C11, C12, C13, अभी भी नहीं आया समझ में? अच्छा, बाकी सब मैं छोड़ रहा हूं, ठीक है, बाकी दो चीजें मैं छोड़ रहा हूं। अच्छा, जैसे ही मैं इसका और इसका प्रोडक्ट करूंगा तो इसका मतलब मैं इन दोनों का भी मल्टीप्लाई करूंगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे करते ही कोई भी एलिमेंट जब अपने कोफैक्टर से मल्टीप्लाई होकर के ऐड होता है तो आप में से किसी को याद होगा वो अपना डिटरमिनेंट वैल्यू दे देता है, और गलती से अगर दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाए तो जीरो दे देता है, याद आया आपको? हमारी इससे बात हो चुकी है, याद आया? तो अपने आप में डिटरमिनेंट दे देगा, तो जैसे ही ये पास वाले से मल्टीप्लाई होगा जीरो देगा, जैसे ये पास वाले से मल्टीप्लाई होगा जीरो देगा, अभी भी नहीं आया। अच्छा, जैसे ही सेकंड रो पे आया था तो सेकंड रो वाला इससे मल्टीप्लाई होकर जीरो देता, लेकिन इससे मल्टीप्लाई होकर के डिटरमिनेंट ए देता, नहीं आ रहा। और उसी तरह से ये रो वाला जिस दिन इससे मल्टीप्लाई होता फिर जीरो देता,
थर्ड रो वाला फर्स्ट से मल्टीप्लाई होकर जीरो देता, थर्ड रो वाला सेकंड से मल्टीप्लाई होकर जीरो देता, और थर्ड रो वाला थर्ड से मल्टीप्लाई होकर, अभी आया? अब आप में सभी को पता होगा, ठीक है, ये मैट्रिसेस चल रही है, ठीक है ना। मैट्रिसेस में जब सबसे कोई चीज कॉमनली मल्टीप्लाइड होती है तब कॉमन आती है। ये कोई डिटरमिनेंट नहीं है कि एक रो या एक कॉलम में से बाहर आ जाएगा, क्योंकि सबसे डिटरमिनेंट है मल्टीप्लाइड है, क्योंकि जीरो में पता नहीं चल पा रहा हमें, क्योंकि जीरो की, क्योंकि किसी से भी मल्टीप्लाई करो जीरो ही आता है, तो हम मान सकते हैं कि सबकी डिटरमिनेंट ए से मल्टीप्लाई है। तो मैं डिटरमिनेंट ए कॉमन ले सकता हूं, अगर मैंने कॉमन ले लिया तो खुद की जगह वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन छोड़ के जाएगा। क्या ये बात सही है? और इससे दुनिया सही है, और फाइनली इसका आंसर क्या हो जाएगा? आई, अपने आप में बन जाएगा डिटरमिनेंट ए आई, प्रूव्ड हो गया। यहां तक की बात समझ में आई? ठीक है, ये इसका प्रूफ है, और अपने आप में क्वेश्चन है, ठीक है। हर कई अपने आप में क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में बकायदा क्वेश्चन है, ठीक है। आप ऐसा मत सोचना कि अपने अपने घर से चल रही है, ये बकायदा प्रूफ है आपके उसमें, ठीक है। तो आप थोड़ा सा संभाल के खेलना। हाँ, क्या सब में सिर्फ डिटरमिनेंट ए कॉमन? अरे वो मैट्रिसेस में सब में होता है तब कॉमन लेते हैं ना। हाँ, वैसे मल्टीप्लाई भी सब में होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी, बहुत काम की चीज है, बड़े ध्यान के साथ समझना, ठीक है। हाँ, जल्दबाजी नहीं। और अब ये मान के चलो कि ये मैट्रिसेस का वो पार्ट है जो कम से कम हर स्टूडेंट को जब भी पेपर हो उसको 6 से 7 बार लिख के रख लेना चाहिए, लिख करके ही याद होगा, ठीक है। आपको अपनी याददाश्त पर भरोसा तो होगा ही, है कि नहीं? पूरा भरोसा होगा, तो आपको ये तो पता ही होगा कि अब इससे एक ही तरीके से कॉन्क्वायर किया जा सकता है कि बार 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 लिख करके क्रैम करी जाए चीज़ों को। कुछ चीज़ों को तो क्रैम करना ही पड़ेगा, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग का भी एक लेवल है। अंडरस्टैंडिंग होगी, अपने को समझ में आ गया, हाँ सही है, बराबर है, अच्छा लग रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन वापिस पूछा गया फिर बोल दूँ, फिर समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहा था। तो स्टार्ट कैसे करेगा ना वो, आपको बार 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 है ना स्ट्राइक ही तभी होगा जब आप लिख लिख के देखोगे। ये सभी ने, हमने भी अपने टाइम में जब हमने याद किया ना तो 6-7 बार कॉपियां भरी हैं, बार बार एक एक प्रॉपर्टी पे 6-7 बार और रिपीट, और अलग अलग तरीके से रैंडमली कुछ भी अचानक उठा लिया, फिर ट्राई किया, फिर उठाया, फिर ट्राई किया, तब जाके तो याद हुआ। नंबर ऐसे नहीं आते, आपको भी पता है जब पेपर आता है ना तो आदमी सर के बल खड़े होकर के सारे काम करता है, ठीक है। तो आपको भी बता रहा हूँ वैसा कर लेना, ठीक है, बाकी आपकी इच्छा है ना, और ऊपर वाले की दीवी सद्बुद्धि है, ठीक है। अगला बात पे बात करता हूँ। देखिए सर, अगला है एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू में डिटरमिनेंट ए की पावर एन माइनस वन होता है, जहाँ पे एन जो है वो ए का ऑर्डर है। तो क्या लिखूं, ये वाली बात है ना। अब मैं आपको याद दिलाता हूँ, इसको प्रूव करने के दो तरीके हैं, ठीक है। पहले मैं मेथड वन से प्रूव करता हूँ, ठीक है। मेथड वन क्या कहता है? मेथड वन कहता है कि अपने जितनी प्रॉपर्टी सब एक दूसरे से लिंक्ड है, ठीक है। तो हमने पहली प्रॉपर्टी सीखी है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू में डिटरमिनेंट ए आई, ये लिखा, ये देखा फर्स्ट प्रॉपर्टी से। अरे फर्स्ट प्रॉपर्टी ये थी ना, अपन लिख लेते हैं प्रॉपर्टी वन, ठीक है। अब क्या करते हैं, दोनों को डब्बे पहना देते हैं। इसको डब्बा पहनाते हैं ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, डब्बा इज इक्वल टू डब्बा ए है का डब्बा, पहना दिया दोनों को, पहनाते ही ये अपने आप में बी है, एडजॉइंट ऑफ ए बी मैट्रिक्स है। तो ये लिखा हुआ है ए इंटू बी, ए इंटू बी का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए डिटरमिनेंट बी, आज ही सीखा था, या तो दोनों अपने अपने घरों में चले जाएंगे। तो यहां से आ जाएगा डिटरमिनेंट ए इंटू में डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, सही है। ये आपकी नजर में रहेगा कि बेटा तू आंसर देगा, तू मत भागना बस, ठीक है। क्यों? क्योंकि यही तो हमारे को चाहिए, है ना। अच्छा, इधर क्या हुआ, इसने भी दोनों का डब्बा अलग अलग करवा लिया, तो आपको पता लगा डिटरमिनेंट ऑफ डिटरमिनेंट ए इंटू में डिटरमिनेंट ऑफ आई और डिटरमिनेंट ऑफ आई वन, तो वो भाग गया। अच्छा, डिटरमिनेंट अपने आप में खुद आंसर होता है, वैल्यू होता है। अरे
वैल्यू होता है और वैल्यू का डिटरमिनेंट वापस वही वैल्यू आ जाएगी। सही है, आप में से कहीं को ध्यान नहीं है, किसी टाइम पे जब हमने डिटरमिनेंट चैप्टर चालू करा था ना, तो मेरी पहली लाइन थी कि डिटरमिनेंट ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 एंड डिटरमिनेंट ऑफ -2 -2, तो वो खुद ही बाहर आ जाता है, याद है आपको? तो डिटरमिनेंट ये जो भी अपना आंसर देगा वो खुद ही बाहर आ जाएगा, इसका मतलब आंसर बाहर आएगा डिटरमिनेंट, इसका मतलब और यहां से बाहर आएगा 1 और यहां सामने से क्या बाहर आएगा डिटरमिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, श्योर है? अब मुझे कुछ छोटी छोटी चीजें अभी भी समझ में नहीं आ रही, वो खुद बाहर आएगा या एक बड़े ध्यान से सोच के जवाब देना, सोच के जवाब दोगे तो मजा आएगा, वो खुद बाहर आएगा या मैं अब आपको एक दांव बताता हूं, आप सोच के जवाब देना, कहीं हमने आज ही डिटरमिनेंट के ए पढ़ा था जिसमें के कांस्टेंट होता है और के जब बाहर आता है एक ही बार एन बन के बाहर आता है। अब ये इसने बाहर आने से मना कर दिया कि मेरे को अलग अलग मत करो, अब बड़े ध्यान से सोचिएगा, डिटरमिनेंट एक वैल्यू है, राइट नाउ इट इज लाइक अ कॉन्स्टेंट फॉर अस, तो ये लिखा है के आई, नहीं आया समझ में, ये लिखा हुआ है के इंटू आई, आई माने ए, तो ये के लिखा, तो जिस दिन ये बाहर आएगा तो डबल बार आएगा या के की पावर एन बन के बाहर आएगा, एन बन के बाहर आएगा, एग्जैक्टली exactly, तो ये बन गया एन इंटू वन और ये हो गया डिटरमिनेंट ऑफ एन, सही है? उड़ाते ही यहां पे कितना रहेगा डिटरमिनेंट ए की पावर एन माइनस वन, क्रूड, ठीक है? अब जिनको ये बात समझ में आई उनके लिए एक और दूसरा प्रूफ भी बता दो, आपकी याददाश्त पे थोड़ा जोर डालना बसा, मजा उसी में, ठीक है? अच्छा, आप में सभी को ये याद है क्या कि एडजॉइंट जो भी है तो कोफैक्टर का ट्रांसपोज, हाँ कि ना? कोफैक्टर भी अपने आप में मैट्रिक्स है, याद कर लो पहले तो आप, और आपको पता होगा ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकालो या उसका खुद का डिटरमिनेंट निकालो एक ही बात है। अब जरा एक मिनट इधर कोफैक्टर पे आ जाता हूं, कोफैक्टर मतलब ये ना कोफैक्टर, अगर ये कोफैक्टर है तो मैं इसका मैट्रिक्स बना के बैठा हूं। आप में से किसी को याद होगा, शायद याद आ जाएगा कि कोफैक्टर का मैट्रिक्स इज इक्वल टू में ओरिजिनल, नहीं, कोफैक्टर का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू में ओरिजिनल डिटरमिनेंट की पावर एन माइनस वन, नहीं याद आएगा? ये शायद हम लोगों ने किया था और आप बिल्कुल आपकी अद्दा से बाहर जा चुका होगा कि मैंने आपके सामने एक डिटरमिनेंट बनाया था जो थर्ड ऑर्डर का था और जब मैंने उसके कोफैक्टर की वैल्यू निकलवाई थी तो वो उसका स्क्वायर आ गई थी, कुछ याद है आपको? इसका मतलब ये कि ये बात तो पक्की है कि अगर भाई देवे ये एडजॉइंट ऑफ ए है तो इट इज कोफैक्टर का डिटरमिनेंट, ठीक है? और कोफैक्टर का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू में ए टू द पावर एन माइनस वन, ये भारी हो गया, नहीं है? अगर आपको याद आ गया तो बेस्ट है, इसके लिए आपको मेथड वन और मेथड टू दोनों बताए जाते हैं कि आप मेथड वन और मेथड टू में किसी एक पे, हो सकता है आपकी मैया मोरी जो है फेल हो गई, ठीक है, गया तो आपको कम से कम फर्स्ट तो आता है, नहीं तो अगर भाई तो मैंने उसे फर्स्ट लिया होता तो आपका दिल दुख जाता कि अरे सर ये तो याद ही नहीं आ रहा, ठीक है, चलेगा, कोई बात नहीं, मेथड वन से काम चलाओ। हाँ जी सर, हाँ भाई, अच्छा हाँ, आपने मेरी काम की बात तो बताई नहीं, मैं तो पूछना भी भूल गया, उसमें क्या बुराई थी सर, वो पहले जो स्कीम चला रहे थे सर अपन, उसमें क्या बुराई थी सर? हाँ भाई, उसमें क्या बुराई थी? नहीं आपको ध्यान नहीं आया, ये आप सोचो जरा, राइट नाउ इट इज नॉट अ डिटरमिनेंट, इट इज अ वैल्यू और वैल्यू इज कॉन्स्टेंट, हाँ वो नहीं कर सकते आप, जब आप वो वाली स्कीम लगाते हैं ना तो आपको खुद को भी रोकने में आना चाहिए कि नहीं 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 ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है, ये पावर में एन चलेगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए मैंने आपको जब मैं ये डिटरमिनेंट वाले करवा रहे थे तो आपने सीरीज ने टोका भी था मेरे को, मैंने आपको कहा था ये सब चीजें आपको मैं सोच समझ के करा रहा हूँ, मैंने कहा था ये सारी चीजें मेरे आगे आने वाली चीजों में यूज आती हैं, क्योंकि है ना मैंने बार बार लेक्चर दे के टक्करें खाई है, और जब भी जैसे स्टूडेंट मेरे से कोई भी क्वेश्चन करता है ना और मुझे ये पता चल जाता है कि उस स्टूडेंट ने मुझे यहाँ पे टोका था किसी बैच में, बोले यहाँ से 5 साल पहले भी टोका हो, तो मुझे याद रखना पड़ता है कि वो बच्चा मुझे ऐसा क्वेश्चन क्रिएट कर सकता है, तो इस जगह पे पहले से ही तैयारी करके चल तू, उसको याद नहीं आएगा, नहीं तो जैसे अभी मेरे को फिर ठोकर लगी आपने आज मेरे आज आपके वाले बैच के कारण, मैं याद रखूंगा ये, ठीक है, कि आपको याद नहीं आता कि इसकी वैल्यू ए माइनस ए तो दोबारा एन माइनस वन होती है, ठीक है, अब मैं आपके लिए अगले बैच जो भी आएगा उसके लिए इंतजाम करके चलूंगा, ठीक है,
कि भाई को पहले याद दिला, ठीक है तो आगे कभी हमारे साथ फिर से चोट नहीं होगी। आगे बढ़ो फटाफट, ठीक है। अरे यार बहुत लेट हो जाएंगे। हाँ भाई अगले पास हो। हाँ भाई नेक्स्ट। अब आया एक और पॉइंट, इसको देख करके तो आपका दिल ही खुश हो जाएगा। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू में डिटरमिनेंट n माइनस 2 इंटू ए, ठीक है। ये भी अपने आप में एक प्रॉपर्टी है। ठीक है फिर वापस याद दिलाता हूं, हर प्रॉपर्टी पिछली प्रॉपर्टी से लिंक्ड है, सही है। हर प्रॉपर्टी पिछली प्रॉपर्टी से लिंक है। इसे जस्ट पिछली प्रॉपर्टी में मैंने ये सीखा है कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू में ए टू द बार एन माइनस वन होता है। नहीं सीखा? अभी भी सीखा। अब अगर भाई दवे मैं क्या करता हूं, ए को रिप्लेस करता हूं, रिप्लेसिंग ए बाय एडजॉइंट ऑफ ए, रिप्लेसिंग ए बाय एडजॉइंट ऑफ ए। अगर मैंने ए को एडजॉइंट ऑफ ए से रिप्लेस किया, एक मिनट बच्चा दिमाग कौन सा वाला, ये वाला ए या वो वाला ए? मैंने कहा दोनों, जहां जहां भी ए मैं एडजॉइंट ऑफ ए लगा रहा हूं। अगर मैंने ए की जगह एडजॉइंट ऑफ ए लगाया तो एक मिनट जरा सोचते हैं अपन कि गाड़ी चली जाएगी क्या या अटक जाएगी? अटक जाएगी ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। जरा सोच के जवाब देना, देखो जरा, क्योंकि ना देखो अगर मैंने ए की जगह एडजॉइंट ऑफ ए लगा दिया, ठीक है, तो कोई और प्रॉपर्टी खुलने वाली है, ठीक है। और वो प्रॉपर्टी की शक्ल कैसी होगी अपने लिए एक नया क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक है। रुक जाता हूं थोड़ी सी देर के लिए, आरएचएस अननोन कर देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन बनाते हैं। अगर मैंने ए की जगह एडजॉइंट ऑफ ए करा तो ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए बना इज इक्वल टू में इस ए की जगह भी लग जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए की पावर एन माइनस वन। यहां तक कोई दर्द नहीं है सर, ये तो एलएचएस है, अपने को इसका आंसर आरएचएस देगा। अब आप इसे किसी को याद आएगा एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट खुद ए टू द पावर एन माइनस वन होता है, हाँ या ना? और पावर में ऑलरेडी क्या है एन माइनस वन, तो आंसर हो गया डिटरमिनेंट ए की पावर एन माइनस वन का होल स्क्वायर। तो प्रूफ ये कर लेते हैं पहले, ठीक है, पहले ये वाला प्रूफ कर देते हैं, फोर्थ नंबर पे बाद में आते हैं, ठीक है। आ जाइए अगले पर बढ़ेंगे। हाँ भाई फोर्थ नंबर पे आता हूं। फोर्थ नंबर क्या है? तो सर ये नहीं लिखेंगे क्या, मतलब जो आप पहले प्रूफ कराने वाले थे वो फर्जी था क्या? आते हैं, ठीक है। एज इक्वल टू में क्या लिखा था, ए की पावर एन माइनस टू ए, क्योंकि ना हर एक जना इनवर्स निकालना जानता है, हर एक जगह को एडजॉइंट निकालना आता है, हर एक जने को कोफैक्टर बनाना आता है, हर एक जना लगभग सारे काम कर डालता है मैट्रिसेस में, बस वो यहीं आके रोता है। तो आप अगर यहां से निकल गए तो मतलब ये कि गेम का ये आखिरी लेवल है, इस जगह को जीतने वाला गेम जीता हुआ माना जाता है, ठीक है। अब जरा इसको समझो। अब रही बात सर, वो पिछले वाले ने तो कहीं और पहुंचा दिया था जरा अपने को, तो अब की बार इसके लिए क्या है? हमारे पास में है कितने हथियार? अभी से पहले वाले में ये था, उससे पहले वाले में वो था, चार ही तो हथियार है टोटल, चौथा तो ये खुद है। तो पिछले वाले ने यहां पहुंचाया तो उसे पिछले वाला ही बचा, बाहर से तो कोई आएगा नहीं समझाने के लिए। तो पिछला वाला क्या कहता है? पिछला वाला कहता है ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए इजिकल टू में डिटरमेंट ए आए, सही है नहीं आया? अब अगर भाई देखिए ये है तो हम क्या कर सकते हैं, वही पिछले बार जो किया था रिप्लेसिंग, याद आया आपको, रिप्लेसिंग ए बाय एडजॉइंट ऑफ ए लिख दो भाई। तो इस ए की जगह मैं लिख देता हूं एडजॉइंट ऑफ ए, लिख देते हैं भाई, बढ़िया। अंदर क्या लिखना था, एडजॉइंट में एडजॉइंट ऑफ ए लिख दो भाई, इजिकल टू में ए की जगह भाई कितना लिख दो एडजॉइंट ऑफ A into I, यहां तक कोई दर्द ना कभी तक मुझे नहीं लग रहा, ठीक है। अब फंस गया क्या,
ये तो सर आपको चाहिए, ये फंसा हुआ है सर आपके। तो मैंने कहा रुक जा, इतनी जल्दी नहीं मचाएंगे। अपन क्या करते हैं, इस एडजॉइंट ऑफ ए जो ओपन में खड़ा है, इसके लिए जानबूझ करके ए से मल्टीप्लाई करता हूं। क्यों करता हूं ए से मल्टीप्लाई, समझना। ए से मल्टीप्लाई करते ही ये हो जाएगा ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अरे सोचो, इसकी अगर अपन ने ए से मल्टीप्लाई कर दी तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अच्छा, इसके तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, इसे तो अपन छूने ही नहीं देंगे किसी को, अपने को यही तो चाहिए, इसे तो अपन टच ही नहीं करने देंगे। लेकिन अगर मैंने ए की मल्टीप्लाई इसके आगे करी है तो मैं ये वाला भी फड़फड़ाएगा कि मेरे भी आगे मल्टीप्लाई करो। हमने कहा ले भाई, आगे पीछे कहीं भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तब तक आपसे एक और बात, ये लो मैंने ए से मल्टीप्लाई कर ली। कई लोग मिस कर रहे हैं आई को बहुत बुरी तरह से, सही है। अच्छा, वो बैलेंस कर लेंगे। अच्छा, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट हमने शायद आज ही पढ़ा था, ए टू द पावर एन माइनस वन, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, एन माइनस वन। अच्छा, अब ये भी तो कुछ होता था, ये होता था ए आई, और यहां कितना हो गया एडजॉइंट में, एडजॉइंट में एडजॉइंट ऑफ ए, सही है ना भाई। और इज इक्वल टू में चल रहा है ए टू द पावर एन माइनस वन इन टू ए। अच्छा, और ये आई तो गया। अच्छा, इस डिटरमिनेंट ए से ये डिटरमिनेंट कटने के बाद क्या छोड़ेगा, ए टू द पावर एन माइनस टू इन टू ए, क्या ये छोड़ देगा, प्रूव हो गया, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू होता है इतना। अच्छा, अब आप में से कई लोग एक और बात भी जानने, अगर वो पहले प्रूफ हो जाता तो मेरे लिए ये प्रूफ करने का एक और रास्ता बनता था। मुझे कुछ नहीं करना था, आप इसको और इसको देखो ढंग से, इसमें और इसमें सिर्फ एक फर्क है इसका, अगर मैंने इसको पहनाया तो ये भी पहनेगा, इसके पहनते ये अब ध्यान होगा, अब तो आप समझ गए होंगे ये कौन है, कॉन्स्टेंट। तो जब ये बाहर आएगा तो क्या बाहर आएगा, डिटरमिनेंट ए की पावर एन माइनस टू की पावर, हाँ 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 बोलो बोलो, एन, पक्की बात है क्या भाई, एन बार आएगा, सही है। अच्छा, और अंदर कौन फंस गया, डिटरमिनेंट ए। मैं भूलता जाता हूं आप में से, इसलिए मेरे को याद दिलाते थे, आप ये दोनों जानते हैं, ये दोनों जुड़ेंगे घटेंगे मल्टीप्लाई होंगे, तो डिटरमिनेंट ए की पावर कितना बना, एन स्क्वायर माइनस टू एन, और इसकी वैल्यू प्लस वन, और आप में से कई लोग जानते हैं ये वैल्यू बन गई एन माइनस वन का होल स्क्वायर। लो सर, वेट प्रूफ हो गया, नहीं आया आपको समझ में, इसका मतलब ये कि हर रास्ता दूसरे है, बिल्कुल क्या भूल भुलैया जैसा है, इधर से निकलो उधर से पहुंच जाओगे, उधर से निकलो इधर से पहुंच जाओगे, मिलोगे हर बार एक ही जगह, बस आपके जाने के रास्ते बदलते हैं सर, बदलते रह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद भी क्लास है आपकी, किसकी, हाँ। और क्वेश्चन वाला तो सीधा सीधा प्रॉपर्टी में बनाते हैं, क्वेश्चन वाला ये प्रॉपर्टी का प्रूफ रू नहीं पूछेगा, वो तो सीधा एक मैट्रिक्स देगा और मैच द कॉलम में एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट पूछ लिया, और फिर आप आंसर निकालते फिर रहो, और वहां भूल गए। अब क्या करोगे, कुछ नहीं, कोई तरीका नहीं है, कोई तोड़ नहीं है कि आप एडजॉइंट ऑफ ए बनाने बैठ गए, हाँ वहां कोई तरीका नहीं है, तो आपको क्या है, कोई तरीका तो सोचना ही पड़ेगा, कोई तरीका तो सोचना ही पड़ेगा याद करने का। और अपनी तो एक ही नीति है, याद दो तरीके से होता है, या तो दबाव से या मजाक से, कहीं तो होता ही है याद, तो अब आपको सोचना पड़ेगा, आप मजाक तो आप ही सोचोगे कैसे बताऊंगा, ठीक है। मेरे टाइम में तो मैंने ऐसे याद कर लेता, ये लिखा हुआ है आर इज इक्वल टू आई, सोच लो मैंने बोल दिया होगा, हटाओ ये नहीं याद आया, ठीक है। और उसको पढ़ता था अड़जा, खटखट याद हो जाते थे मेरे को, खटखट सारे एकदम लपक के याद थे, ठीक है, सारे के सारे अड़जा, एक ही पावर एन माइनस टू, ऐसे याद कर लेते, ठीक है। और अगर भाई तो ऐसे याद नहीं होता जैसे मैं कई बार भूल जाता था, तो है ना पावर में एन माइनस वन को मैंने ऑइन नाम दे रखा था, ऑइन, ठीक है, ताकि वो गव बोलते टाइम में मेरे को माइनस वन याद आ जाता था कि माइनस वन होगा, ऐसे मैं कोशिश करता रहता था याद कर लो, क्योंकि मेरे को पता था याद तो करना ही है। अरे घर वाले किसी से पूछते हैं क्या, घर वाले किसी से कहते हैं कि चल कोई बात नहीं याद होगा, कोई बात नहीं जीरो नंबर आ गया बेटा, कोई बात नहीं, ऐसा कहते हैं क्या किसी के, किसी घर वाले नहीं कहते, कहते तो भाई सूरवीर आदमी है, ठीक है ना, वरना तो नॉर्मली यही कहते हैं बेटा एक मिनट इधर आना, ठीक है। अब आपको तो पता ही होगा, तो फिर आपको पता ही है ये, अब मान लो आज के दिन पे तो अपन पढ़ाई से बच गए, लेकिन बाद में कभी नौकरी भी तो करेंगे, नौकरी में फिर आपने गड़बड़ जाले कर दिए, फिर क्या होगा,
फिर भी वो कहेगा एक मिनट जरा इधर आना, ठीक है जरा आपसे बात करनी है। तो इसीलिए क्या आपको याद करना ही है, या नहीं याद करना 10 साल बाद याद करोगे, कुछ और चीज में याद करोगे, किसी और जगह फंसोगे, पहले से कर लो भाई काम खत्म। तो दो चीजें याद रखना है, या तो दबाव से याद करना है, वो तो दबाव तो मैं क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। और आपको पता ही है कि उससे बचने का फिर तरीका क्या है, भाग गए आप, ठीक है। तो मजाक से याद कर सकते हो तो कर लेना, आप याद करके आना। तो कल के दिन का मैं आपको काम दे रहा हूं, ठीक है, आपको करके आना है क्या, आपको बस एक सोच के आना है। अरे नहीं मैं उसमें दे देता हूँ ना, सॉरी, हाँ बिल्कुल आपके उसमें है, मैं क्या सोच रहा था, देना गलत तरीके से जा रहे थे। अब आप आ जाओ बढ़िया चीज पे, तो अब खड़े हैं अपन, क्योंकि दो तीन चीजें जो मेरी बच रही थी वो भी हो गई। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 10 करके आना है एक आपको, एक्सरसाइज थ्री का क्वेश्चन नंबर 10 करके आना है याद करके, ठीक है।